राजवंश को दूसरी लड़की के साथ डांस करने को देख लेने के बाद पूर्वी ने बदला अपना फैसला और कर देगी पूर्वी राजवंश को शादी करने से इनकार। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवंश पूर्वी दोनों डिनर डेट पर अपने टेबल पर बैठे होंगे, तभी राजवंश की पुरानी फ्रेंड यानी की पुरानी दोस्त नशे की हालत में राजवंश के पास आएगी और राजवंश के साथ डांस करने के लिए वो गर्ल यानी की लड़की राजवंश की फ्रेंड राजवंश का हाथ मांगेगी और राजवंश को कहेगी कि राजवंश लेट्स डांस विथ मी। तभी यह सुनकर राजवंश अपनी पुरानी फ्रेंड के सामने देखकर पूर्वी के सामने 2 मिनट कहकर खड़ा हो जाएगा, जहाँ पर जब राजवंश अपनी पुरानी दोस्त के साथ डांस करना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके राजवंश बहुत ज्यादा रोमांटिक डांस अपनी पुरानी फ्रेंड के साथ करेगा, तभी पूर्वी को काफी बड़ा शौक लगेगा और पूर्वी की छोटी बहन के होश उड़ जाएंगे और पूर्वी से राजवंश और उसकी पुरानी फ्रेंड का घिनौना डांस देखा नहीं जाएगा, इसलिए पूर्वी ऊपर होटल के कमरे में चली जाएगी, जहाँ पर पूर्वी के पीछे पीछे पूर्वी की छोटी बहन आएगी और कमरे में पूर्वी को कहेगी कि दी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चली आई। तभी यह सुनकर पूर्वी अपनी छोटी बहन को कहेगी कि तुझे नहीं पता कि क्या हुआ, तूने देखा नहीं कि किस तरह राजवंश उसकी दोस्त के साथ कैसे डांस कर रहा था, इस राजवंश रईस ज़ादे ने अभी अपना चेहरा दिखाया है, शायद हमने राजवंश को पहचानने में गलती कर दी, हम राजवंश को जितना अच्छा समझते थे उतना अच्छा वो है नहीं, हमने शायद गलत लड़के को चुन लिया है, लेकिन कोई बात नहीं अभी मेरी शादी नहीं हुई है इसलिए हम अपना डिसीजन अपना फैसला बदल सकते हैं। और पूर्वी कहेगी कि हम राजवंश से बेहतर लड़का डिजर्व करते हैं और राजवंश से तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के पड़े हैं। यह सुनकर पूर्वी की छोटी बहन को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर नीचे डिनर डेट की पार्टी में राजवंश अपनी फ्रेंड के साथ डांस करके पूर्वी को आसपास देखेगा और पूर्वी कहीं नहीं मिलेगी, तभी राजवंश पूर्वी को चारों ओर होटल में ढूंढेगा, जहाँ पर जब पूर्वी ऊपर होटल के कमरे से अपनी छोटी बहन के साथ नीचे आएगी और राजवंश पूर्वी को ऊपर से आते हुए देखेगा, तभी राजवंश की जान में जान आएगी और राजवंश कहेगा कि थैंक गॉड तुम कहाँ चली गई थी। तभी यह सुनकर जब पूर्वी राजवंश के नजदीक बिना कुछ बोले आएगी, तभी राजवंश पूर्वी को कहेगा कि पूर्वी बोलो क्या हुआ, तभी यह सुनकर पूर्वी कुछ बोल नहीं पाएगी, जहाँ पर जब राजवंश अचानक से पूर्वी का हाथ पकड़ेगा और पूर्वी के साथ रोमांटिक डांस पूरे होटल में सबके सामने करेगा, तभी पूर्वी को काफी ज्यादा अजीब लगेगा और इसलिए जब राजवंश पूर्वी को कहेगा कि पूर्वी क्या हुआ, तभी यह सुनकर पूर्वी कुछ बोल नहीं पाएगी, जहाँ पर जब राजवंश पूर्वी के साथ डांस करके पूर्वी को प्रपोज करने के लिए पूर्वी के सामने घुटनों पर बैठ जाएगा और पूर्वी को रोज यानी कि गुलाब देते हुए कहेगा कि पूर्वी विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी ऐसुन का पूर्वी को राजवंश और उसकी पुरानी दोस्त का डांस याद आ जाएगा और पूर्वी तभी राजवंश से शादी करने से ना कह देगी और कहेगी नहीं, जिसे सुनकर राजवंश को काफी बड़ा शौक लगेगा और राजवंश को देखकर सारे हंसने लगेंगे। यहाँ पर शहर की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि मल्होत्रा कंपनी का मालिक राजवंश की इज्जत का कचरा हो जाएगा, जिसकी वजह से राजवंश को मन में काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन राजवंश अपने मन में गुस्से को कंट्रोल करते हुए पूर्वी को फिर से कहेगा कि पूर्वी क्या हुआ, तुमने मना क्यों किया। तभी पूर्वी कहेगी बस ऐसे ही, यह कहकर पूर्वी राजवंश के सामने से चली जाएगी और लेकिन पूर्वी को बस एक राजवंश का दूसरी लड़की के साथ डांस देखकर इनकार करना चाहिए क्या नहीं, और पूर्वी राजवंश को शादी से इनकार करके सही करेगी क्या नहीं, क्या फिर आप राजवंश पूर्वी की जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।